देखो टॉपिक का क्या नाम नजर आ रहा है, वेजा विजोरम। अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया ना, वेजा विजोरम। अच्छा, वेजा विजोरम से मिलता जुलता है, पिछले लेक्चर में एक और वर्ड पढ़ा था, नर्व से। स्पेलिंग क्या है? नर्वी विजोरम, वो भी पढ़ा था ना, नर्व्स से रिलेटेड था। हेयर वी आर स्टडिंग वेजा विजोरम। बच्चों वेजा विजोरम, मैंने आपको क्या इसका मीनिंग बताया था, वेसल्स ऑफ वेसल्स, यानी कि वेसल्स में से आपके पास वेसल्स निकल रही हैं। अभी तक आपको इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है? अलग से नोट लिखने को आए तो आप इसके ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों? वेजा विजोरम, वेसल्स ऑफ वेसल्स। ओके जी, अब ये सप्लाई किसको कर रही थी? आपके वेसल्स की वॉल्स को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सप्लाई कर रही थी। वेसल्स कोई भी हो सकती हैं, आपके आर्टरीज हो सकती हैं, वेन्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकती हैं ना। अच्छा जी, अब इसमें जी अभी तक आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा वेजा विजोरम का के जी मेरे पास ये ल्यूमन था, ल्यूमन के आसपास मुझे ब्लड सप्लाई की कोई टेंशन नहीं है। मैं मीडिया की तरफ जाती गई, ब्लड सप्लाई न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम होती गई। एडवेंटिशा की तरफ जी अब और मुझे प्रॉब्लम आती गई, तो इसके लिए जी मेरे पास वेजा विजोरम आ गई, जिसने कितनी थिकनेस को सप्लाई किया मीडिया की। देखो मैंने इधर मेंशन आपके बुक के अंदर भी, आउटर हाफ टू टू थर्ड ऑफ द मीडिया की सप्लाई कहाँ से मिल गई? वेजा विजोरम से मिल गई। दीज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दी एडवेंटिशा। अभी तक का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अच्छा, यहाँ तक अब आप सबको क्लियर है? ऐसे ही ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक वाइट कलर का कपड़ा लूँ कोई, उसके सेंटर में मैं इंक का ड्रॉप डालूँ, कुछ एरिया तक सिर्फ इंक जाएगी ना, बकाया आसपास के उसकी पेरीफेरी में जितने एरिया वहाँ पे तो शायद इंक का कलर भी ना जाए। सेम कॉन्सेप्ट इज़ फॉर द न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ठीक है? ब्लड के पास पास जहाँ भी एरिया है, ल्यूमन के पास जो भी एरिया है वहाँ बड़ी अच्छी सप्लाई है। दूर जाते जाते हमें प्रॉब्लम है, उसके लिए आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया वेजा विजोरम का। अब आपका ऑथर ने लिख दिया, डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, एक जगह पे लिखा था अगर आपकी वॉल्स की थिकनेस बढ़ जाए 0.5 मिलीमीटर से, ठीक है? दूसरी जगह में आपके लिखा था अगर आपकी वॉल की थिकनेस एक्सीड कर जाए 1 मिलीमीटर से, ठीक है? तो हम लोग जी कर लेते हैं, अगर आपकी वॉल की थिकनेस एक्सीड कर जाए फ्रॉम 0.5 to 1 मिलीमीटर, तो जी देर आर चांसेस के जी अब आपको सफिशेंट न्यूट्रिएंट्स आपकी लेयर्स को नहीं मिल रही। नाउ देर मस्ट बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ दी वेजा विजोरम, ठीक है? अब जी इसमें जी सिंपल डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट तो हम लोगों के पास ल्यूमन से आ रहा था, वेजा विजोरम ने क्या किया कि ड्रग सप्लाई करना शुरू कर दी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बच्चों, अब आपके देर आर मैंशनड 3 different types ऑफ दी वेजा विजोरम। अब ये 3 different types किसके अकॉर्डिंगली लिखी गई हैं, और भी इसके ऊपर बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिस आपको समझाने के लिए कि कहाँ कहाँ से आपकी वेसल्स ओरिजिनेट हो सकती हैं। अभी तक तो आपके बुक का कॉन्सेप्ट पढ़ के यही समझ आ रहे हैं कि जी एडवेंटिशा से ओरिजिनेट हुई, नहीं ऐसा नहीं है बच्चों। आपके जो वेजा विजोरम है मेनली आप इसको 3 types के अंदर कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज दी वेजा विजोरम इंटरना, यानी कि कुछ अंदर से वेसल्स ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है? देन यू हैव दी वेजा विजोरम एक्सटर्ना, अच्छा बाहर की लेयर्स से वेसल्स ओरिजिनेट हो रही हैं। देन यू हैव दी वेजा वीनस वेजा विजोरा, ठीक है? अब इसका भी कॉन्सेप्ट देखेंगे, हो सकता है जी अपने आसपास की वेसल्स तक ये फैल गई हैं, बाहर से ओरिजिनेट हो गए अंदर तक जा रही हैं, ठीक है? अब इन तीनों की डेफिनेशंस पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखो बच्चों, डिटेल में नहीं जा रहे, जस्ट कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको। यू हैव वेजा विजोरम इंटरना, इंटरना याद रख लो, इंटरनल साइड से कुछ ओरिजिनेट हो रहा है। इसमें आके ऑथर ने लिख दिया ये जो वेसल्स हैं बेसिकली ये ओरिजिनेट हो रही हैं फ्रॉम द मेन ल्यूमन, ठीक है? मेन ल्यूमन से आपकी वेसल्स ओरिजिनेट हुई, देन दे विल ब्रांच टू दी वेसल वॉल्स, क्लियर? अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट अब आपके पास आ गया वेजा विजोरम एक्सटर्ना। अब इसमें जी देयर विल बी द ब्रांचेस, ठीक है? वेसल्स विल गेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेन आर्टरी, आर्टरी से आपके जो वेसल्स हैं वो ओरिजिनेट हुई, एंड
ड्राइव बैक टू द वेसल वॉल ऑफ द मेन आर्टरी, जी वॉल्स तक की महदूद रिंग, ठीक है, क्लियर। वॉल्स टू वॉल्स तक का कनेक्शन आपको किसके अंदर मिल रहा है, एक्सटर्नल, बाहर बाहर, ल्यूमन के बाहर बाहर, क्लियर। अब आपके पास तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया, वीनस वेजा विजोरा। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, दीज आर ओरिजिनेटिंग विद इन दी वेसल वॉल, ठीक है, वेसल की वॉल से ही ओरिजिनेट हुई, वेसल्स की वॉल्स में से ओरिजिनेट हुई, देन कहां पे ड्रेन कर रही हैं, ल्यूमन में, ठीक है। वेजा विजोरम, वेजा विजोरम इंटरना कहां से ओरिजिनेट हुआ था, ल्यूमन से, ल्यूमन से ओरिजिनेट होके कहां जा रहा था, वेसल की वॉल्स पे, ठीक है। एक्सटर्ना मेन आर्टरी से, यानी कि वॉल्स से ओरिजिनेट हो रहा था, वॉल्स से ओरिजिनेट होके कहां पर जा रहा था, वॉल्स को ही सप्लाई कर रहा था, ओके, ठीक है। और इसके बाद तीसरा कौन सा है, वेजा विजोरम, वेजा विजोरा, विजोरा कहां से था, वॉल्स से हो रहा था, और ड्रेन कहां पे कर रहा था, ल्यूमन को। बच्चों थ्री डेफिनेशंस, सबसे पहले वेजा विजोरम इंटरना डेफिनेशन इज के दीज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ल्यूमन एंड ब्रांचिंग इन टू द वेसल वॉल, ओके। वेजा विजोरम एक्सटर्ना, दीज आर हैविंग द ब्रांचेस फ्रॉम द मेन आर्टरी, मेन आर्टरी में से ब्रांचेस निकली एंड देयर आर ड्राइविंग बैक इन टू द वॉल्स पे, ठीक है। देन वी हैव द वेजा विजोरा, वेजा विजोरा देयर आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विद इन द वॉल्स, देयर आर ड्रेनिंग इन टू द ल्यूमन, देयर आर ऑल्सो सप्लाइंग द कॉन्कॉमिटेंट वेन्स, आस पास की वेन्स को भी ये अपने ब्लड की सप्लाई कर रही हैं, क्लियर। अभी पढ़ रहे हो ना फार्माकोलॉजी, हाइपरटेंशन विद कॉन्कॉमिटेंट डायबिटीज, क्या हाइपरटेंशन के साथ साथ डायबिटीज भी है, कॉन्कॉमिटेंट मीन्स विद दैट यू आर हैविंग द अनदर डिजीज, वेसल्स के साथ कॉन्कॉमिटेंट वेसल्स, यानी कि दोनों वेसल्स आस पास हैं, ठीक है बच्चों। देन जी आपके बुक के कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, बुक के कॉन्सेप्ट को फिलहाल जी आप याद रखो, आपके ऑथर ने कहा कि जी आपका जो है टर्मिनेट काम कर रही हैं, आपके एडवेंटिशा से निकल रही हैं, एडवेंटिशा से निकल के आपके मीडिया को सप्लाई कर रही हैं और ये एडवेंटिशा को भी ब्लड की सप्लाई दे रही हैं, ठीक है। ये सिर्फ बुक का कॉन्सेप्ट है, ये जो अभी हमने तीन पढ़ी ना, ये आर्टिकल्स के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। सो दिस वॉज दी वेजा विजोरम। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे वेस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन।